तो हेलो गाइस, आप सभी बढ़िया होंगे। इस वाली वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी बायो केमिस्ट्री के जो एंट्रेंस होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में आप लोगों को सारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों का जो एंट्रेंस होता है आप लोगों का केमिस्ट्री का और बायो केमिस्ट्री का, उसमें आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो मैंने स्टूडेंट से पूछी हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे पूछी हैं, जिन लोगों ने लास्ट ईयर आप लोगों का एंट्रेंस दिया था उनसे सारी चीज़ें आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं बताने लग रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बता दूंगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वगैरह में पिन कर दूंगा या वीडियो में ही आप लोगों का स्लाइड में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी बुक्स रिकमेंड की जाएंगी वो आप लोगों को, हम सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एमएससी केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में एक स्टडी करके वो आती है, बुक आती है लेलिंगर करके। ठीक है, लेलिंगर यहाँ पर लिख के आने लग रहा होगा, तो वो आप लोगों को कर लीजिए, वो आप लोगों का सारा कवर करती है। ठीक है, सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं और मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिक रहते हैं। अगर आप यूजी में केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोगों का आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री की बात करने लग रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो मैंने बुक बताई है इसका मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लेलिंगर करके ये बुक है। और इसके बाद ऐसे केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का भी मैंने पूछा था काफ़ी लोगों से, तो बताया गया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का दोनों का पार्ट रहता है। ठीक है, बेसिक पार्ट पूछते हैं, मैकेनिज्म पार्ट थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, और बेसिक पार्ट रिएक्शंस वगैरह रहती हैं थोड़ी बहुत, इसके बाद ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगर आपने बीएससी में अच्छे से पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है और भी चैप्टर्स हैं जो बेसिक चैप्टर्स हैं, अगर आप लोगों ने बीएससी में अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बीएससी बायो जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है और काफ़ी कम जगह ये होता है आई थिंक। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है। और आई थिंक ONGC में इसका वो चलता है, जो न्यू बिल्डिंग है ONGC वाली, उसमें ये सारे कोर्सेज चलते हैं। सीट्स वगैरह की बात करें तो केमिस्ट्री में आई थिंक 120 सीट्स हैं और बायो टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी कम सीट्स होंगी। मैं आप लोगों को बता दूंगा या अभी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, या यहाँ पर जब मैं एडिट करूँगा वहाँ पर आप लोगों को दिखने लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का है एमएससी केमिस्ट्री का और बायो केमिस्ट्री का। अगर आप लोग करना चाहते हैं, जो मैंने बुक बताई उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बने रहिए चैनल के साथ और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। बाकी एंट्रेंस की सीरीज आप लोगों की आ रही है, सारी कोर्सेज का हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।